गई हो क्या? माना हम पांचों के अलावा हॉस्टल में कोई नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतनी क्रेजीनेस करोगे। जरूरत है विद्या। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को कुछ आइडिया भी है कि दो दिन बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं? देख, एग्जाम्स हम सबके हैं और हम सबको एग्जाम देना है, पर ये टाइम हमारे एंजॉयमेंट का टाइम है। तुम लोगों को अगर म्यूजिक सुननी है ना तो बाहर जाओ और पार्टी करो, मुझे शांति से पढ़ने दो। अच्छा क्यों, हमेशा तेरी चलेगी यहाँ पे? और वैसे भी आजकल तो इसे हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है ना? हाँ, जहाँ तू होगी ना प्रॉब्लम तो वही होगी ना। अच्छा, अरे यार मिताली प्लीज चिल, क्यों झगड़ रहे हो यार तुम लोग? अच्छा अच्छा लेट द म्यूजिक बी। रानो, कल तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना, तू भूल तो नहीं गई? अरे यार वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्लानचेट खेलते हैं ना। ओह गॉड, मुझे पुतों से बहुत डर लगता है। अरे यार मैंने सुना है कि हॉस्टल में ना माया नाम की लड़की की आत्मा घूमती है। अच्छा? अरे आई स्वेयर, कुछ साल पहले ना वो लड़की गायब हो गई थी एंड नोबडी नोज की कहां गई है। अच्छा तो ठीक है ना, ट्राई करके देख लेते हैं कि असली में माया की आत्मा है भी कि नहीं, पर उसके लिए हमें लाइट स्विच ऑफ करनी पड़ेगी। और तो फिर से ये ड्रामा करेगी, कल वार्डन को आने दो, फिर तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तुझे पता है ये कमरा जितना तेरा है ना उतना हम सबका भी है, और अगर इतना पढ़ने का शौक है तो बाहर जाके क्यों नहीं पढ़ती है? मैं सब समझती हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही है? तुम उसे चिढ़ती ना? हाँ बता। हाँ हम चिढ़ती हूँ, क्या कर लेगी? और वैसे भी माया जैसे यहाँ पे सुसाइड करी थी ना, वैसे तू यहाँ पे सुसाइड करेगी। स्टॉप मिताली, तू प्लीज यहाँ पर अभी बखेड़ा मत खड़ा कर। श्रुति, इसे वहां रख। अब सब अपनी उंगली इस प्लैनचेट पे रखो, मगर धीरे। अब सब इसे गोल गोल घुमाओ, धीरे एंड सॉफ्टली। श्रुति, ये बड़बड़ क्या कर रही है? सच्ची में भूत तो नहीं बुला रही है? सारी पॉजिटिव पावर्स का स्वागत है और बाकी सब नेगेटिव पावर्स दूर रहे। विद्या, एक मिनट। तू जा, तू पास में है ना? जा विद्या, जा। चलो सब अपनी उंगली फिर से इस पे रखो, क्या यहां इस कमरे में कोई अंदर आया है? कौन हो? एम? कौन? एम? माया? तुम्हारी मौत कैसे हुई? सुइसाइड क्यों किया था? सी एच
चीट। तुम्हें किसी ने चीट किया था क्या? राज? राज कौन? हाँ, उसका कोई लवर होगा तो उसे उसने चीट किया था। अब तुम अपने अपने सवाल पूछ सकते हो, पर तुम्हारे सवाल हाँ या ना में हो वही बेहतर है। क्या रोहित मुझसे प्यार करता है? नो। तो वो किसे प्यार करता है? एम? ये कौन हो सकती है? मिताली तो नहीं? मिताली थोड़ी ना है, एम से तो कोई भी हो सकता है। नहीं, वही चुड़ैल हो सकती है। मैं जानती हूँ उसे कैसे सबके बॉयफ्रेंड्स चुराना आता है। मैं पूछूं इस बार? हाँ हाँ पूछ। मैं क्या इस बार एग्जाम्स में टॉप करूंगी? नो। सारी मुसीबत की जड़ ये मिताली है। ये मिताली पता नहीं अब जिंदा क्यों है। ये कैंडल कैसे बुझ गया अपने आप? हवा भी तो नहीं है और सारे दरवाजे भी बंद है, तो फिर कैसे? अब क्या करें रानू? मेरा लाइटर कहाँ है श्रुति? मैंने तुझे दिया था ना श्रुति। यही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। किधर रख दिया? मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? लाइट जला ले क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम स्पिरिट को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें यह प्लानचेट अच्छी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अब तुम घबराओ मत, मैं किचन से लाइटर लेके आती हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। ओके, जल्दी आना और प्लीज जल्दी आना। अंधेरा तो बहुत है, रानू तो चली गई और हमें छोड़ गई भूत के साथ। बिलो मोरे आप भी ना। अरे अंकित क्या हाल है? What a pleasant surprise. क्या हुआ? मेरी फ्रेंड थी रानो, उसे मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया यार। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि यार वो खून नहीं कर सकती। देख अगर केडी सर से बात करके कुछ। अरे ये भी कोई कहने की बात है अंकित, तूने मेरी हमेशा मदद की है जरूरत पड़ने पर। और मैं तेरी मदद ना करूं जब तुझे जरूरत पड़ी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही कहने वाला था ना तू? यस सर। हाँ मेरे दोस्त, तेरी कहानी तो मैंने सुन ली, अब तेरी दोस्त कहाँ है ये बता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने मिताली को नहीं मारा है। मिताली को माया की आत्मा ने मारा है। माया की आत्मा ने मारा है? ताज्जुब हो रहा है मुझे रानो कि तुम एक साइंस स्टूडेंट होकर ऐसी बातों पर विश्वास रखती हो। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे भी मार डालेगी। प्लीज प्लीज सर, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मेरा यकीन कीजिए, वो उस रात वहाँ आई थी। क्या कह रही हो तुम? उस रात माया ने मुझे एक बात बताई थी जो केवल मैं और मेरा भाई जानता था। कैसी बात? मेरा भाई राज, वो माया का बॉयफ्रेंड था और वो कॉलेज के बाहर छुप छुप के मिलते थे। फिर एक दिन खबर आई कि माया कॉलेज से मिसिंग है, और कल रात माया ने मुझे बताया कि उसने सुसाइड किया था क्योंकि मेरे भाई ने उसे चीट किया था। I don't believe this. सर मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे भी मार डालेगी। मतलब भूत को भी पकड़ना पड़ेगा। Your Honor, आज इस कोर्ट के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब केस आया है, जहां पर मुलजिम रानो
इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी क्लासमेट मिस मिताली का कत्ल किया और फिर इन्हें टेरेस से टांग दिया। ये अपने डिफेंस में ये कहती हैं कि ये कत्ल इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, ये कत्ल एक्चुअली एक आत्मा ने किया है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, ये एक बहुत ही संवेदनशील केस है, इसलिए मैं प्रोसिक्यूटर महोदया से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार इस केस की हंसी ना उड़ाए। जी मिस्टर पाठक, मुझे पता है कि केस बहुत सेंसिटिव है। एक भोली सी दिखने वाली लड़की ने कितनी बेरहमी से अपनी ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। अद्भुत मिस बोस, केस अभी शुरू नहीं हुआ और आपने ये निर्णय भी कर लिया कि हत्यारा कौन है। तो मिस्टर पाठक, आप भी ये मानते हैं कि ये मर्डर किसी आत्मा ने किया है, ना कि आपकी क्लाइंट मिस रानो ने, जिन्होंने उस रात प्लानचेट ऑर्गेनाइज किया और फिर बहुत चालाकी से मिताली का कत्ल किया और जाकर उसे टेरेस से टांग दिया। योर ऑनर, ये सत्य है कि प्लानचेट का बंदोबस्त रानो ने किया था, लेकिन उस खेल में इनके तीन दोस्तों ने भी भाग लिया था। ये पूरी तरह से संभव है कि उनमें से किसी का हाथ हो इस हत्या में। नहीं मिस्टर पाठक, ये बात बिल्कुल गलत है। और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं अपनी पहली विटनेस को विटनेस स्टैंड में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मिस ज्योति, आपने उस रात वहां पर क्या देखा? जी, उस रात रानो ने प्लानचेट खेलने का प्लान बनाया था। आप में से किसी को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि प्लानचेट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? हम में से सिर्फ रानो को प्लानचेट खेलना आता था और ये उसी का आइडिया था। पॉइंट टू बी नोटेड योन। जब प्लानचेट शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जब रानो ने प्लानचेट शुरू किया, तब बोर्ड पे प्लानचेट अपने आप मूव करने लगा और हमारे कमरे में आत्मा आ गई। मिस ज्योति, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि कोई आत्मा आ गई थी उस कमरे में? क्योंकि जब रानो ने प्लानचेट शुरू किया था, तब डॉर्मेट्री की खिड़की एकदम से खुल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति आ गई हो। हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे आत्मा से, वो आत्मा ने सारे जवाब दिए बोर्ड पे प्लानचेट मूव करके। फैंटास्टिक। तो ये आत्मा आजकल के फिल्म स्टार से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज तो देती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लगता है मिस बोस को हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक है। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट का ध्यान सिर्फ इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि वो प्लानचेट का बोर्ड कोई आत्मा नहीं बल्कि खुद मिस रानो कर रही थी। मिस बोस, ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है? हो सकता है उस प्लानचेट को कोई और चला रहा हो। ये बात अभी साफ हो जाएगी मिस्टर पाठक। मिस ज्योति, आप हमें ये बताइए कि मिस रानो और मिस मिताली के बीच कैसे ताल्लुकात थे? रानो और मिताली के बीच बहुत डिफरेंसेस थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। उस शाम भी उनका कोई झगड़ा हुआ था? जी हुआ था। मिताली डॉर्मेट्री के बाहर चली गई। कहाँ चली गई मिताली? जब भी वो अकेले रहना चाहती थी, वो टेरेस पे चली जाती थी। प्लानचेट के दौरान आप चारों में से कोई बाहर निकला था उस कमरे से? एक्चुअली उस वक्त अचानक से कैंडल बुझी और हम में से सिर्फ रानो डॉर्मेट्री के बाहर चली गई थी लाइटर लाने के लिए। लाइटर तो रानो के पास पहले से था, है ना? हाँ था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो लाइटर लेने के बहाने वो कमरे से बाहर निकली, टेरेस पर गई, वहां पर मिताली का कत्ल किया और फिर वापस लौटकर कमरे में आ गई। ये झूठ है। उस रात वाकई मुझे लाइटर नहीं मिला था और मैं उसे लेने किचन में गई थी, टेरेस पे नहीं। इस बात का क्या सबूत है मिस रानो कि आप सचमुच किचन गई थी और टेरेस नहीं गई थी? मिस बोस, रानो अपने कॉलेज के हॉकी टीम की कप्तान अवश्य है, लेकिन ये कोई सुपर हीरो नहीं है। क्या मतलब मिस्टर पाठक? हाँ, मतलब मैं समझाता हूँ जरा, इफ यू डोंट माइंड। ज्योति जी, आपने कहा कि रानो अपना कमरे से बाहर गई थी, अपना कमरा छोड़कर कहीं किचन में लाइटर लेने, तो कितने समय तक कुल मिलाकर ये कमरे से बाहर थी? कुछ 5-6 मिनट के लिए। अब वाक्य का रूपांतर,
आपने कहा कि ये कमरा छोड़कर बाहर गई किचन की ओर लाइटर लेने। किचन जो इनके कमरे से 100 मीटर की दूरी पर था, वहां जाकर इन्होंने लाइटर ढूंढा होगा, लाइटर को प्राप्त किया होगा और वहां से किचन से ये गई टेरेस पर, छत पर। छत जो किचन से 200 मीटर की दूरी पर है, वहां जाकर इन्होंने मिताली को अपने वश में किया, वहां से नीचे ढकेला और उसके बाद ये अपने कमरे में लौट कर आई और इतना सब कुछ इन्होंने 5-6 मिनट के अंदर ही कर दिया। अब ऐसा तो सिर्फ एक सुपर हीरो ही कर सकता है मिस बोस, क्या मैं राइट हूं? मैं राइट? छोड़िए, ये बताइए मिताली के साथ आप बहुत बहने थी, आप दोनों बहुत। मिताली वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन से हम एक साथ थे। तो ये तो स्पष्ट है कि फिर आप दोनों के बीच कोई तनाव, कोई मनमुटाव, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रहा होगा। नहीं। तो फिर क्यों बताइए मुझे ज्योति जी के मिताली जी ने आपके विरुद्ध ऑफिशियल कंप्लेंट किया था और उस कंप्लेंट में ये कहा था कि आपने मिताली के कबट से 30,000 रुपए की चोरी की। नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए थे, वो तो झूठा इल्जाम था। आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तो अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं चोरी क्यों करूंगी? चलिए, ये सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन ये अवश्य सच है कि उस वाक्य के बाद आपके और मिताली के बीच हर तरह की बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और मिताली ने आपको ये भी धमकी दी थी कि इस मामले को लेकर वो पुलिस तक भी जा सकती है। धमकी दी थी आपको उन्होंने या नहीं? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है तो मैं डरूंगी क्यों? नहीं नहीं, डरने की। मिस्टर पाठक बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी अगली विटनेस मिस श्रुति को बुलाने की अनुमति चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मिस श्रुति, क्या उस रात आपको लगा कि प्लानचेट के वक्त आपकी फ्रेंड मिस रानो, उन्होंने इसमें कुछ हेरा फेरी की? जी नहीं, उस रात जो भी हुआ सब हमारे सामने हुआ। वो कमरे में वो शक्ति महसूस की जा सकती थी। उस शक्ति का तो मुझे भी आभास है। वो शक्ति आपकी दोस्त मिस रानो थी, जिन्होंने बहुत केयरफुली इस मर्डर को प्लान किया और वहां पर एक आत्मा का सहारा लिया। सचमुच वहां एक आत्मा थी। प्लांचेट के मूव करने के अलावा उस बंद डॉर्मिटोरी में मोमबत्ती अचानक बुझ गई और तो और प्लांचेट में खुद ब खुद आग भी लग गई और ओजा बोर्ड के जलने के बाद मैसेज खुद ब खुद आ गया। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है इसके सिवा कि वहाँ कोई आत्मा थी? ये बात थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी और मिस रानो की दोस्ती कितनी गहरी थी? रानो मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी ना सिर्फ रूममेट है बल्कि कॉलेज मैगजीन जिसमें मैं एडिटर हूँ वो उसकी राइटर भी है। अच्छा मिस श्रुति, वो किस तरह की राइटिंग करती थी? वो बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्रीज लिखती है। मर्डर मिस्ट्रीज, तब तो वो बहुत बारीकी से काम करती हो। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा लिखती है और उनकी एक स्टोरी। हाँ हाँ, बताइए क्या था उस स्टोरी में? वो स्टोरी एक लड़की के बारे में थी जिसकी मौत हादसे की तरह होती है, लेकिन असली में उसका खून हुआ था छत से रस्सी से लटक कर। मुल्ज़िम ने पहले कहानी लिखी और बिल्कुल जिस तरह से कहानी में मर्डर डिस्क्राइब किया गया था उसी तरह से उन्होंने मर्डर कमिट किया। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। कहानी लिखना तो मेरी एक हॉबी है बस, और कुछ नहीं। इनको अभी भी लगता है कि इन पर कोई विश्वास करेगा। मिस बॉस, कोई करे ना करे, मुझे इनकी बात पर विश्वास है। अब देखिए ना, माना कहानी इन्होंने लिखी, लेकिन कोई अपनी ही लिखी हुई कहानी के अनुसार हत्या करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? देखिए, ये संभव है कि किसी ने इनकी लिखी हुई कहानी से प्रेरणा लेकर हूबहू उसी प्रकार से हत्या की हो। पॉसिबल है? या पॉसिबल। अरे श्रुति जी, ये बताइए कि इनकी लिखी हुई कहानी ये छप गई है आपके कॉलेज के? नहीं, अगले महीने के एडिशन में होगी। अगले महीने की एडिशन में छपेगी, यानी इस कहानी को जो इन्होंने लिखी है उसे केवल आपने पढ़ी, आपके अतिरिक्त और किसी ने नहीं पढ़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी से आप ही प्रेरित होकर आप जाकर
भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? योर ऑनर, मिस्टर पाठक मेरी विटनेस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं श्रुति के पास कत्ल करने का कोई मकसद नहीं था। मिस बॉस, योर ऑनर, अभी अभी मिली फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना पर मैं अपने अगले विटनेस डॉक्टर रस्तोगी फोरेंसिक एक्सपर्ट को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। इजाजत। डॉक्टर रस्तोगी, इस कोर्ट को बताइए कि मिस मिताली की मौत कैसे हुई। मिस मिताली की मौत रस्सी से लटकने की वजह से दम घुटकर हुई है। उनकी नेक बोन फ्रैक्चर हुई थी। उनके शरीर पर कोई और घाव के निशान? जी हाँ, विक्टिम के सर पर एक चोट थी जिसे पता लगता है शायद बेहोश करने के लिए उनके सर पर मारा गया था और उसके बाद उन्हें रस्सी से लटकाया गया था। योर ऑनर, मिस मिताली के सर पर चोट थी, यानी कि मारने से पहले उनके सर पर वार किया गया, बेहोश किया और उसके बाद उन्हें रस्सी से लटका दिया। और ये काम किसी भूत का नहीं, किसी इंसान का है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया अपनी ये कथा आगे बढ़ाए उससे पहले मैं इस केस की एक अहम कड़ी, मिताली जी की रूममेट विद्या जी को पूछताछ के लिए कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। विद्या जी, आप और मिताली जी एक ही कमरे में रहती थी, रूममेट्स थी आप दोनों? जी, रूममेट भी और क्लासमेट भी। केवल रूममेट नहीं, क्लासमेट भी थी, यानी कि आप दोनों के बीच तो घनिष्ठ मित्रता रही होगी। जी, हम लोग क्लासमेट थे लेकिन दोस्त नहीं थे। ऐसा क्यों विद्या जी? जिस व्यक्ति के साथ 2400 घंटे रहती थी उसके साथ कोई मित्रता नहीं, क्यों हुआ? Why, what is the reason? जी, शायद इसलिए क्योंकि हमारे इंटरेस्ट्स और हॉबीज नहीं मिलते थे आपस में। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता विद्या जी कि ये जो आप दोनों के बीच मित्रता की जो कमी थी, अभाव था, वो अलग अलग हॉबीज होने के कारण था। मुझे लगता है कि कारण ये है कि आप दोनों एक ही चीज को पाने का प्रयत्न कर रही थी, अर्थात दोनों एक ही क्लास में टॉप करने का प्रयास कर रही थी। Is that, am I right or am I right? देखिए, इस बात को लेके मेरे और मिताली के बीच में लड़ाई जरूर थी, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं उसका। नहीं नहीं, बड़ी बात कैसे नहीं है? बड़ी बात तो है विद्या जी। देखिए, आप एक बहुत ही साधारण परिवार से आती है, आर्थिकता की जरा कमी है वहां तो, और मिताली के कारण आप अपनी स्कॉलरशिप मिस कर गई ना। इस साल तो गया आपके हाथ से स्कॉलरशिप, अगले साल भी अगर ये स्कॉलरशिप आप मिस कर जाती तो बाहर जाकर विदेश में पढ़ने का सपना आपका सपना ही रह जाता ना। इसलिए आपने सोचा कि एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी, किसी की जान लेनी होगी, क्या है सपना को साकार करने के लिए आपने मिताली को मार दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक राई का पहाड़ बना रहे हैं। वो इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि उस रात उस कमरे से सिर्फ मिस रानो निकली थी, मिस विद्या उस कमरे में थी, और अगर वो उस कमरे में थी तो वो मिस मिताली का कत्ल कैसे कर सकती है? मिस्टर पाठक, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं भी मिस विद्या से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ऑफ कोर्स। मिस विद्या, हमको बताया गया है कि मिस मिताली और मिस रानो के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, काफी झगड़े होते थे। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, इन दोनों के मिजाज बहुत अलग अलग थे। मतलब मिताली अपने आप में रहती थी जबकि रानो सबके साथ दोस्ती करके रहती है। शुरू से ही इन दोनों के झगड़े होते थे, पर पिछले कुछ दिनों में इनके झगड़े बहुत बढ़ गए थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया सडनली कि झगड़े बढ़ गए? जी, पिछले हफ्ते रानो को पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड अंकित मिताली से छुप छुप के मिलने लगा है। और इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई हुई थी। योर ऑनर, यही मोटिव था मिस रानो के पास मिस मिताली का मर्डर करने के लिए। जब उन्हें यह पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड उनके पीठ पीछे उन्हें चीट कर रहे थे, उनसे ये बात नहीं सही गई और उन्होंने गुस्से में आकर मिस मिताली का कत्ल कर दिया। सत्य तो ये है योर ऑनर के प्रोसिक्यूटर महोदया अंधेरे में तीर चलाने का प्रयास कर रही है,
वास्तविकता में मेरे मुवक्किल रानो के विरुद्ध इनके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। योर ऑनर, पुलिस को इस केस से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। ये हॉकी स्टिक हमें हॉस्टल से मिली और स्टिक पर हमें खून के धब्बे मिले। उसका मतलब इस हॉकी स्टिक से मिताली के सर पर वार किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले। किसके फिंगरप्रिंट्स? रानो के फिंगरप्रिंट्स मिले। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, ये केस साफ है। इस हॉकी स्टिक पर मिस रानो के फिंगरप्रिंट्स का मिलना अपने आप में ये बयान करता है कि कितनी चालाकी से इस हॉकी स्टिक की मदद से उन्होंने मिस मिताली के सर पर वार किया, उन्हें बेहोश किया और उसके बाद एक रस्सी की मदद से उन्हें छत से टांग दिया। अपने अंजाम को छुपाने के लिए इन्होंने प्लैंचेट की आड़ ली ताकि हम कन्विंस हो जाएं कि ये मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने किया है। मैं स्कॉट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस संगीन जुर्म के लिए मिस रानो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। तुमने मुझसे अपने बॉयफ्रेंड और मिताली के रिश्ते की बात क्यों छिपाई? मुझे डर था कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आप मेरा विश्वास कभी नहीं करेंगे। मुझे पता चला कि अंकित मिताली से छुप छुप के मिलता है और मुझे मिताली पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि इसमें मिताली की कोई गलती नहीं, गलती उस अंकित की है। उसे सब पता था तो भी उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और तुम्हारी हॉकी स्टिक पर मिताली का खून कैसे आया? पता नहीं, मेरी हॉकी स्टिक तो एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी और उस पर मिताली के खून के निशान कैसे आए मुझे नहीं पता। ये तो जला हुआ है। इस पर प्लांचेट कैसे मूव कराई गई होगी? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेट है तेरे पास? हाँ सर है। नहीं हिल रहा। इस पर चुंबक का कोई असर नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि ओइजा बोर्ड और प्लांचेट में लोहे का कोई धातु नहीं। सर, अब तो मुझे भी लग रहा है कि शायद उस रात माया की आत्मा आई है। नहीं, आई मीन सर, हो सकता है। मेरा शक सही निकला तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि प्लांचेट हिला कैसे था। लेकिन एक बात अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जलने के बाद इस ओइजा बोर्ड पर वो गुप्त संदेश आया कैसे। छत की दीवार पे कुछ रखा हुआ था। हाँ, यहाँ पर कोई पट्टा लगाया हुआ था जो गिर गया। तो कहाँ है इस समय वो पट्टा? ये वो पट्टा। इन रॉड्स को और इस पट्टे को फोरेंसिक्स लैब भेजते टेस्टिंग के लिए। कि आप इस केस को जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है ना कि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। क्या मिताली की मृत्यु के पहले आपके कॉलेज में कोई असामान्य घटना घटी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ,
मिताली मुझसे मिलना चाहती थी, इनफैक्ट वो मुझसे मिलने आई भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन मुझे अपने एक रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैंने उससे फ़ोन पर पूछा था कि क्या बात है, लेकिन उसने कहा कि वो फ़ोन पर नहीं बताना चाहती, मुझसे मिलना चाहती है। और फिर मिताली की, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। क्या आपको लगता है मिसेस सिन्हा की जो बात आपको मिताली कहने वाली थी वही बात उसकी मृत्यु का कारण बनी? लेकिन ऐसे क्या बात हो सकती है? यही तो पता लगाना है। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में कुछ अजीब हुआ था, जैसे कोई यहाँ आया हो, जैसे कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। Your Honor, मैं जानता हूँ कि अदालत उत्सुक है ये जानने के लिए कि वास्तव में उस रात को हुआ क्या था, और ये प्रमाणित करने के लिए मैं एक ओजा बोर्ड और प्लांचेट अपने साथ लेकर आया हूँ, और चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूटर महोदया मिस बोस मेरे साथ प्लांचेट करें। Your Honor, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिस्टर पाठक कोर्ट में ये गेम खेल कर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि ये खेल आरंभ कैसे हुआ और वास्तव में हुआ क्या। इजाजत, जरा हाथ रखिए अपना। जी जी जी, अभी इसे गोल गोल घुमाइए। नहीं घूम रहा ये, नहीं चल रहा। किसी आत्मा को याद करके बुलाइए। व्हाट मिस्टर पाठक, मैं आत्माओं में विश्वास नहीं रखती। Your Honor, मिस बोस आत्मा में विश्वास नहीं रखती, मैं चुंबक में विश्वास रखता हूँ। चुंबक से कोशिश करते हैं। लाइए। दुर्भाग्यवश Your Honor, चुंबक से भी नहीं चल रहा। लेकिन अब मैं इसे यहां रखता हूं, और इसे जो हूबहू वैसा ही है इसे चलाने का प्रयास करते हैं। आइए हाथ रखिए। ऑर्डर ऑर्डर Your Honor, ये चल नहीं रहा, ये तो भाग रहा है, और ऐसा ही Your Honor, बैठिए, थैंक यू, और ऐसा ही Your Honor उस रात भी हुआ था। जिस प्रकार यह ओजा बोर्ड वही है लेकिन प्लांचेट नहीं चला, स्पष्ट है Your Honor कि जो प्लांचेट चला उस रात भी प्लांचेट के नीचे चुंबक लगाया गया था, और जिस प्रकार मैंने दूसरा चुंबक लेके उसे आकर्षित किया ऐसा उस रात भी किया गया था। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? Your Honor, बहुत ही सरल है। एविडेंस में पेश किया गया है ओजा बोर्ड जला हुआ है, लेकिन इस पर जो प्लांचेट है वो जला हुआ नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव है Your Honor, जब उस रात किसी ने नकली प्लांचेट जिसके नीचे चुंबक लगा हुआ उसका इस्तेमाल किया, और जब किसी की नजर उस पर नहीं थी तो नकली को निकालकर असली प्लांचेट यानी कि रानो के प्लांचेट जो जला हुआ नहीं था उसे वहां रख दिया। ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मिस रानो के पास थी, हो सकता है कि उन्होंने प्लांचेट बोर्ड को मैग्नेटाइज किया। मिस बोस के प्रश्न के लिए एक मेरा प्रश्न है, क्या आखिरकार ओजा बोर्ड पे आग कैसे लगी? क्योंकि उस समय तो रानो वहां उपस्थित थी नहीं, उपस्थित थी वहां इनकी तीन सहेलियां। हो सकता है कि रानो ने पहले ही बोर्ड को आग लगा दी हो और फिर लाइटर ढूंढने के बहाने से वो कमरे से बाहर निकली हो। फोरेंसिक्स के इस सूची के अनुसार Your Honor, ओजा बोर्ड पर एक ऐसे केमिकल का प्रयोग किया गया था जो बहुत ही छोटी सी चिंगारी से भी जल्द आग पकड़ लेती है। श्रुति जी, श्वेत रंग लंब रूप धूम्रपान डंडिका का प्रयोग करती हैं आप? आई मीन डू यू स्मोक सिगरेट्स? जी हाँ, लेकिन कभी कभी, और अब मैं छोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। अरे क्या बात, और छोड़ भी देनी चाहिए, गंदी आदत है और फेफड़ों पर असर पड़ता है। तो उस रात जब आप सारी सहेलियां मिलकर वो जो प्लांचेट का खेल खेल रही थी, आप पी रही थी क्या सिगरेट? जी नहीं, मैंने उसे जलाई जरूर थी, मगर रानो के कहने पर उसे एस्ट्रे में रख दिया था। वो जलती हुई सिगरेट आपने इस तरह एस्ट्रे में छोड़ दी क्यों? जहां तक मुझे याद है
बुझाकर। ये कैसे संभव है श्रुति जी, क्योंकि हमको जो वहाँ से सिगरेट मिली एस्ट्रे से वो पूरी तरह से जली हुई थी, तो आपने बुझाई होती तो वो फिर जली हुई कैसे होती? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं और इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ा था, फर्क क्या पड़ने वाला था, सब कुछ समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, आपने वो जलती हुई सिगरेट वहाँ एस्ट्रे में रख दी और मौका पाते ही आपने उस सिगरेट से इस औजा बोर्ड पर आग लगा दी। ये झूठ है, मिताली मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिताली ने आपका ये जो आप ड्रग्स भी जो लेती हैं वो आपकी कंप्लेंट की थी मिताली ने, और 6 महीनों के लिए आपको कॉलेज से उनकी कंप्लेंट पे रस्टिकेट कर दिया गया था, रस्टिकेट किया गया था ना आपको? लेकिन वो सब मेरा पास था, अब मैं छोड़ चुकी हूँ ड्रग की आदत। चलिए प्रयास करते हैं कि भूतकाल से निकल कर वर्तमान में आ जाए। ये नाइस ना स्वीट है, देखिए रोज बना हुआ है स्वीट सा लाल कलर का, आप ही का है? मेरा? आप ही का है क्योंकि ये आपके कमरे में आपकी अलमारी से हमने बरामद किया और इसके अंदर से ये कुछ, ये क्या है? ये फोरेंसिक्स का कहना है कि ये कोकीन है। अब सब कुछ आपका है तो ये भी आप ही का होगा। इसका मतलब ये हुआ श्रुति जी कि आप अब भी ड्रग्स करती हैं, आपने ये आदत बदली नहीं है, छोड़ी नहीं है, और अगर इस बार मिताली आपके बारे में कंप्लेंट करती तो आपको रस्टिकेट नहीं कॉलेज से निकाल दिया जाता, इसीलिए आपने अपना बचाव करने के लिए मिताली की हत्या की। सिंपल। नहीं, ये झूठ है योर ऑनर। ड्रग्स का सेवन करना या फिर सिगरेट स्मोक करना किसी को कातिल कैसे ठहरा सकता है? योर ऑनर, वास्तव में कहानी कुछ ऐसी घटी। उस रात ये प्लैंचेट का खेल शुरू होने से पहले ही मिताली क्रोधित होकर छत पर चली गई थी। रानो ने एक समय पर अपनी तीनों सहेलियों को वस्त्र बदलने के लिए कहा। वस्त्र बदलने के बहाने हत्यारिन ऊपर छत पर गई। फिर हत्यारिन ने हाथों में ग्लव्स पहनकर रानो की हॉकी स्टिक से वार किया, उसे बेहोश किया, उसके बेहोश शरीर को छत की दीवार पर लकड़े के फट्टे पर लगाया, जिसे योर ऑनर सहारा दिया गया फ्लेक्सिबल रॉड्स से जो नीचे कमरे की खिड़की पर अटैच की गई थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ और पूजा बोर्ड पे आग लगी, हत्यारिन ने जाकर खिड़की खोली जिसके कारण वो रॉड सटक गए और मिताली का मृत्यु। लेकिन खिड़की मैंने नहीं खोली थी, खिड़की विद्या ने खोली थी। तो विद्या जी, आपने खोली थी खिड़की उस रात? जी हाँ, खिड़की मैंने खोली थी। अब समझ गया मैं विद्या जी कहानी, आपने पहले वो औजा बोर्ड पे आग लगाई, फिर नहीं, ये झूठ है, मुझे इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। योर ऑनर, लगता है मिस्टर पाठक थक गए हैं और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अब वो मिस विद्या पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। बैग कहाँ है आपका विद्या जी? बैग, बैग जो झोला, ये रहा, ये आप ही का बैग है? देखिए जी, मेरा बैग है। धन्यवाद, कम से कम आपने इतना तो माना कि ये आपका बैग है। योर ऑनर, विद्या जी के बैग पर फोरेंसिक्स द्वारा एक ऐसे केमिकल के ट्रेसेस पाए गए हैं जो जलाने पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं, योर ऑनर, निशान नहीं छोड़ते। इसी कारण से इस औजा बोर्ड पर लिखा हुआ था शी डिजर्व्स इट, जलने के बाद। लेकिन हमारा कॉलेज पिछले एक हफ्ते से बंद है और इस बैग का मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप, इस बैग में केमिकल्स आप ही लेकर आई थी विद्या जी। मिस्टर पाठक, ये इस बैग में तो केमिकल कोई भी ला सकता था, इससे क्या प्रूव होता? योर ऑनर, मैं ज्योति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ज्योति जी, इस बार आपके गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर कैसा गया? ठीक था। क्यों?
ठीक ही था या नहीं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं ये पता करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने अंक अगर आपको मिले तो आप खुश होती हैं, 40%, 50% या केवल पास नंबर भी मिल जाए तो काफ़ी है आपके लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो कहूँगा ही, उससे पहले आप कहिए कि ये इस चाबी को आप पहचानते? देखिए क्या हुआ, ये चाबी हमें आपके डॉर्मेट्री से मिली और मैंने बड़ी चेष्टा की कि मैं इस चाबी का ताला कहीं से ढूंढ निकालूं, पर ये चाबी कहीं नहीं लगी। फिर कहीं जाकर मुझे योर ऑनर, ये चाबी इनके प्रिंसिपल के ऑफिस की अलमारी की। मिस ज्योति ने अपने प्रिंसिपल के ऑफिस से पहले ये चाबी चुराई, फिर इस चाबी के जरिए अपने प्रिंसिपल की अलमारी खोली, वहां से मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर चुराया और इसकी बदौलत इन्हें 100 में से 40% नहीं, 50% नहीं योर ऑनर, पूरे 90% अंक प्राप्त हुए। और इस चोरी के बारे में मिताली को ज्ञान था, इससे पहले कि मिताली अपने प्रिंसिपल के पास जाकर इस बात को स्पष्ट करे, इन्होंने मिताली की हत्या कर ली। योर ऑनर, डॉर्मेट्री से तो कोई भी चाबी चुरा सकता था। मिस ज्योति के अच्छे नंबर आने से ये तो प्रूफ नहीं होता कि वो चोर है। कोई और अगर चुराता योर ऑनर तो उस पर मिस ज्योति की उंगलियों के निशान कैसे आते, जैसे कि इस चाबी पर फोरेंसिक्स द्वारा प्राप्त हुए। चलिए मिस्टर पाठक, हम आपकी बात मान लेते हैं कि मिस ज्योति ने क्वेश्चन पेपर चुराया, लेकिन फिर भी ये कहां प्रूव होता है कि उन्होंने मिस मिताली का मर्डर किया? मैं एक ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं अदालत में जिससे इस बात की, मिस बोस के प्रश्न की पूरी पुष्टि हो जाएगी कि कातिल कितना भी शातिर हो या ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक अवश्य कर जाता है, और इस बार भी योर ऑनर ऐसा ही हुआ। हड़बड़ी में कातिल को वो लकड़ी का पट्टा और वो रॉड्स जिसके द्वारा मिताली के शरीर को सहारा दिया गया था, कातिल को उठाकर शेड में डालने पड़े। जाहिर सी बात है यरुण कि नंगे हाथों से कोई चीज उठाई जाए तो उस चीज पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। खुशकिस्मती थी हमारी और ऑनर के, हमने वो लकड़ी के फट्टे और वो रॉड्स ढूंढ निकाले और उन पर योर ऑनर फोरेंसिक्स का कहना है कि ज्योति जी की उंगलियों के निशान है, रिपोर्ट आपके टेबल पर है, तो बताइए बताइए ज्योति जी क्या मिला आपको? क्या मिला? बेस्ट फ्रेंड का कर्ज। मुझे डर था कि अगर मिताली कंप्लेन कर देगी तो मुझे हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जब रानू ने प्लान चिट की बात की तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिताली को रास्ते से हटाने के लिए। उसके बाद मैंने रानू के औजा बोर्ड में मेटालिक प्लान चिट बदला केमिकल से। उस औजा बोर्ड में मैसेज लिखा जिससे जब वो आग पकड़े तो सबको यही लगे कि वो आत्मा ही थी। प्लान चिट खेलने से पहले हम सब चेंज करने चले गए थे, तभी मैं छुपके से छत पर आ गई। उसके बाद मैंने मिताली को स्टिक से बेहोश कर दिया और एक ऐसे बैलेंस कर दिया था उस बॉडी को, खिड़की खुलने पे ही मिताली लटक के मर जाए। The defense rests, Your Honor. सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत
रानू श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है और ज्योति रावत को कसूरवार मानते हुए विरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed.